हेलो फ्रेंड, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम से। यानी हम पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे कि ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होती है और एक किस तरह से वर्क करती है। आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ट्रेवलिंग सेल्समैन या सेल्स पर्सन प्रॉब्लम ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम का यूज करके किस तरह से सॉल्व की जाती है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कह रहा है कि सॉल्व ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम इन द फॉलोइंग ग्राफ। इस तरह से आपके पास कोई ग्राफ होगा और उसमें बोलेगा कि ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम का यूज करके आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। देखिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में है क्या कि ग्राफ है जिसमें चार वर्टेक्स हमारे पास है, ठीक है, चार वर्टेक्स है और मल्टीपल एजेस है और हर एक विच के ऊपर क्या है, एक पर्टिकुलर हमारे पास कॉस्ट दे रखी है, पर्टिकुलर कॉस्ट दे रखी। हमें क्या करना है, सेल्समैन प्रॉब्लम में हमने देखा था कि हमें क्या करना है कि किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से स्टार्ट करना है और सारे वर्टेक्स को एग्जैक्टली वन बार विजिट करना है, ठीक है, एग्जैक्टली वन बार विजिट करना है। देन क्या करना है कि रिटर्न हमें इसी वर्टेक्स पे आना है और सबसे मिनिमम कॉस्ट को सबसे मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना है। मतलब सारे वर्टेक्स को विजिट करके हमें उसी वर्टेक्स पे आना है और मिनिमम कॉस्ट में, कॉस्ट में मतलब कम से कम दूरी को तय करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मैट्रिक्स, रिड्यूस इट। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी कॉस्ट हम लिख लेते हैं। कॉस्ट क्या लिख सकते हैं, ए से देखो हम कहां कहां जा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे। मैट्रिक्स कितनी डिजाइन करेंगे, जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे उतने ही इनटू की मैट्रिक्स बनाएंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फोर वर्टेक्स है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी फोर इंटू फोर की मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को डिजाइन कर लेते हैं। इस तरह से डिजाइन करने का मतलब है कि ए बी सी डी हो गया और इधर भी ए बी सी डी हो गया। अब अगर हम ए से ए जाते हैं, यहां पे देखो क्या हम ए से ए पे जा रहे हैं, ए पे कोई सेल्फ लूप है नहीं है, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। जिसकी डिस्टेंस हमें पता है उसकी डिस्टेंस को राइट डाउन कर देना और जिसकी नहीं पता है वहां पे हमें इनफाइनाइट सिंपली लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ए से बी जाने पे, ए से बी जाने की कॉस्ट कितनी है, यहां पर क्या है, फोर है, ठीक है। ए से बी जाने की कॉस्ट फोर है, ए से सी जाने की कॉस्ट ट्वेल्व है और ए से डी जाने की कॉस्ट क्या है, यहां पर सेवन है, ठीक है, सबको लिख दिया। अब उसी तरह बी से हम कहां कहां जा सकते हैं, बी से हम डी पे जा सकते हैं 18 के थ्रू, यहां पे हम गए। उसके बाद बी से हम कहां जा रहे हैं, ए पे भी जा रहे हैं 5 के थ्रू, यहां 5। बाकी कहां, सी और बी पे हम डायरेक्ट नहीं जा सकते तो इस पे इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद सी से चेक करेंगे, सी से हम कहां जा रहे हैं, डी पे जा रहे हैं जिसकी कॉस्ट 6 है और सी से हम कहां जा रहे हैं, ए पे जिसकी कॉस्ट क्या है, 11। बाकी सी से हम ना तो बी पे जा रहे हैं ना तो सी पे जा रहे हैं तो इसकी कॉस्ट भी हमारी बी और सी की ए हो जाएगी। उसके बाद डी से हम कहां कहां जा रहे हैं, देखो डी से एक तो हम बी पे जा रहे हैं जिसकी कॉस्ट 2 है और डी से हम ए पे जा रहे हैं, देखो ए वाली वर्टिक्स, ठीक है, ए वाली एज जा रही है कहां से, डी से ए पे जिसकी कॉस्ट 10 है और कहां जा रहे हैं हम, हाँ डी से सी पे भी जा रहे हैं जिसकी कॉस्ट 3। तो सबको राइट डाउन कर लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि जब भी हम ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम का यूज करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन का यूज करते हैं। अब रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन होता क्या है उसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये सारी चीजें समझना आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारी फाइनल एक मेन मैट्रिक्स है, कह सकते हैं मेन मैट्रिक्स है, उसके लिए देखो कंसीडर द रो अबव द, अब इसमें क्या करना है, कंसीडर रो को करना और कॉलम को करना है। इफ द रो ऑलरेडी कंटेंट एन एंटिटी जीरो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हर एक रो में कम से कम एक वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तब तो ओवर रिडक्शन है, रो रिडक्शन है और इसी तरह अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको जीरो बनाएंगे। कैसे जीरो बनाएंगे, देखो रिड्यूस द पर्टिकुलर रो, पर्टिकुलर रो को रिड्यूस करना है। सेलेक्ट द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द रो, मतलब कि सबसे छोटी वैल्यू को सेलेक्ट करना है और उसको जीरो से रिमूव कर देना है, ठीक है। सबट्रैक्ट द एलिमेंट फ्रॉम द ईच एलिमेंट ऑफ द रो, मतलब सारे एलिमेंट के इसी तरह से। उसके बाद दिस विल क्रिएट एन एंटिटी जीरो, ठीक है, उसके एंटिटी जीरो कर देना है। जैसे इसमें अगर बात करें रो रिडक्शन यूज करना है, क्या रो ए में
कोई वैल्यू एंटिटी जीरो है, नहीं है, बी में है, नहीं है, सी में है, नहीं है, डी में है, नहीं है। अब इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या है, फोर। तो यहां पे जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, फोर, फाइव हो गया, यहां पे सिक्स हो गया और यहां पे हमारा टू हो गया। तो इनको क्या करेंगे हम, जीरो बना देंगे, ठीक है, इसको जीरो बना देंगे। चलो भाई इसको जीरो बना देते हैं। जब इसको हम जीरो बनाएंगे, ठीक है, अब हम रो वाइज चेक करेंगे, ठीक है, रो वाइज। अब तो हमने रो वाइज चेक कर लिया, इसी तरह एज इट इज कॉलम कॉलम रिडक्शन को चेंज करते चेक करते हैं। तो वो कॉलम रिडक्शन को जब चेक करेंगे तो ए ऑलरेडी जीरो हो गया, बी में ऑलरेडी जीरो हो गया, सी की जब वैल्यू हम चेक करेंगे तो यहां पे क्या है, सबसे वैल्यू क्या है छोटी, हमारे पास मिलेगी थ्री। थ्री को हम क्या करेंगे, यहां नोट डाउन करेंगे और इसको जीरो कर देंगे। यहां पे ऑलरेडी जीरो एग्जिस्ट करता है। अब इनको जोड़ देंगे हम, जब जोड़ेंगे तो देखो फोर और फाइव कितना हो जाएगा हमारे पास, फोर फाइव, फोर फाइव कितना हो गया नाइन, और नाइन फाइव कितना हो गया हमारे पास, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, फोर फाइव नाइन, नाइन और सिक्स कितना हो गया फिफ्टीन, फिफ्टीन और टू कितना हो गया सेवनटीन, सेवनटीन और थ्री कितना हो गया ट्वेंटी, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हो क्या करते हैं, यहाँ पे देखा रहा है फॉलो है, इस तरह से हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। वन को फोर से रिड्यूस कर दिया, टू को फाइव से रिड्यूस कर दिया। दूसरी चीज हमें ये भी करना होता है कि जब हम इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है, जब रिड्यूस करते हैं तो यहां पे क्या करेंगे, जब इसको रिड्यूस किए तो देखो माइनस सब में से कर देंगे, जिससे फोर क्या है, फोर माइनस सब में से करेंगे। यहां से फोर माइनस किया जीरो हो गया, और फोर यहाँ ट्वेल्व से फोर माइनस करेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एट हो जाएगी। यहाँ फोर इसकी सेवन में से फोर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। यहाँ से फाइव माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्टीन आ जाएगा। सिक्स माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे जब टू रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। जब वन आएगा अब इसको क्या करेंगे, देखो अब यहाँ से वन लेके चलेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ए ऑलरेडी, तब वन होगा, जो इसमें हम लास्ट में थ्री ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या आएगी, इसकी कॉस्ट 18 आएगी, ठीक है। 18 कैसे आएगी, आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, मिनिमम कॉस्ट सबसे पहले क्या थी, फोर थी, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट उससे पहले क्या थी, फाइव, जिसको हमने रिड्यूस किया, और इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या थी, सिक्स थी, और इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या थी, टू थी, ठीक है। जब इसको हमने रिड्यूस किया, फाइव फोर कितना हो गया नाइन, नाइन सिक्स क्या हो गया फिफ्टीन, फिफ्टीन टू क्या हो गया सेवनटीन। अब जब हमने रो को रिड्यूस कर दिया तो फिर हम कॉलम को रिड्यूस करते हैं। जब कॉलम को रिड्यूस करें तो यहाँ पे हमें वैल्यू वन मिली, तो वन को जब हम रिड्यूस करेंगे, बाकी सारे कॉलम में एग्जिस्ट वन, एक जीरो है, तो एक को जब हम रिड्यूस करेंगे तो एक यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट्टीन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 18 आएगा। तो इसकी कॉस्ट जो मिलके हमें आई वो क्या हुई, 18 हुई। देखो इसी तरह से हमने रो को किया, यहाँ पे क्या हमने किया, रो को रिड्यूस कर दिया है, उसके बाद हमने कॉलम को रिड्यूस किया। कॉलम को रिड्यूस करने का तरीका वही है, सारे कॉलम को, पर्टिकुलर कॉलम को हम चेक करेंगे क्या हर एक कॉलम में एक जीरो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एक जीरो अगर एग्जिस्ट करता है तो कॉलम रिड्यूस है, अगर नहीं है तो हमें उसको बनाना पड़ेगा। बनाना कैसे पड़ेगा, सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसमें जितने कॉलम में जितनी भी वैल्यू होंगी सब में उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ फाइनल वैल्यू हमारे पास इस तरह से बन के आई, जो फाइनल मैट्रिक्स है। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि नाउ वी कैलकुलेट द नोड वन। जब नोड वन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, नोड वन का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम जानते हैं कि नोड वन में कोई वैल्यू नहीं होती, उससे कितनी जुड़ी है, तो मेन इसकी कॉस्ट क्या होने वाली, मेन वाले की, तो उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। देखो यहां पर हमने जब कॉस्ट को फाइंड आउट किया तो हमें कितना मिल गया, 18। यही हम अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी फाइंड आउट किए थे, ठीक है। अब बात आती है, जैसे यहां पे देखो इस चीज को हम समझने के लिए, एक मिनट, ठीक है, आगे आप देखते हैं। जैसे यहां पे अगर हम देखें, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूज वर्टेक्स को, एक वर्टेक्स को चूज करेंगे। कैसे वर्टेक्स को चूज करते हैं, अब इस चीज को मैं बता रहा हूं। देखो यहां पे क्या है, हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, ऊपर लेके चलते हैं, ठीक, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमने इसको ऑलरेडी पहले सॉल्व कर रखा है, लेकिन देखो अब ए से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इस चीज को हमने ग्राफ को देख के फाइंड आउट किया है। ए से हम बी पे जा सकते हैं, ए से हम सी पे जा सकते हैं, और ए से हम डी पे जा सकते हैं। ए की कॉस्ट हमें फाइंड आउट हो गई कितनी है, 18 है। अब ए से हम बी पे जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं, डी पे। इनमें से हम पहले किसको विजिट करें,
ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको विजिट कर रहे हैं, ए से बी को विजिट कर रहे हैं। अभी इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई, सबसे पहले हम सारे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले ए की तो वैल्यू हमें मिल गई, अब ए से हम बी जाएंगे, ए से बी सी जाएंगे, ए से डी जाएंगे, पहले इनको विजिट करते हैं। ठीक है, पहले सबको विजिट करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या सोल्यूशन हमें मिलता है। तो चलो देखते हैं कैसे। तो देखो यहां पे क्या किया कि चूज वर्टेक्स को चूज कर लिया है। ठीक है, चूजिंग द गो टू वर्टेक्स ए से बी हमको जाना, नोट टू पे क्या करना है, ए से हमें बी जाना है। तो फ्रॉम द रिड्यूस मैट्रिक्स स्टेप वन, जब स्टेप वन में हम चेक करेंगे तो जो भी ए बी होगा, ठीक है, ए बी होगा वो जीरो होगा। फ्रॉम सेट रो ए एंड कॉलम बी, जो भी सेट अगर हम ए से बी पे जा रहे हैं, जैसे ए से बी पे जा रहे हैं, तो ए हमारा ए है। ठीक है, अब ए को हम क्या करेंगे, ए वाली रो को और बी वाले कॉलम को, जैसे ए वाली रो बी वाला कॉलम, इनको पूरा इनफाइनाइट हमें बना देना है। जैसे यहां पे कह रहा है ना, सेट रो ए एंड बी को हमें क्या कर देना है, इनफाइनाइट बना देना है। उसके बाद सेट बी एंड ए, मतलब जहां पे हम बी से ए पे जा रहे हैं, मतलब इस वाले को, इसको भी हमें इनफाइनाइट बना देना है। उसके बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, देखो हमने क्या किया, ए की सारी रो और बी के सारे एक कॉलम को, बी वाले कॉलम को, ए वाले रो को हमने क्या किया, इनफाइनाइट बना दिया। उसके बाद कह रहा है बी और ए, इसको भी हमें क्या करना है, इनफाइनाइट बनाना है। ठीक है, बी और ए यहाँ पे बोला है ना, बी और ए को हमें क्या करना है, इनफाइनाइट बना देना है। फिर से हम चेक करेंगे रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन को। अब इस मैट्रिक्स में रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन को चेक करें, इसमें तो इनफाइनाइट है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसमें क्या है, नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 13 है। ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है, इसमें जीरो एग्जिस्ट करता है, इसमें भी जीरो एग्जिस्ट करता है। उसी तरह आप कॉलम वाले को चेक कर ले, कॉलम वाले को जब हम चेक करेंगे, सबसे पहले इसको रिड्यूस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ पे जीरो आ गया, जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिल के आ रही है, फाइव मिल के आ रही है। तो फाइव, फाइव को हमने रिड्यूस किया तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, थ्री, और इसको जब ऐड करेंगे तो 18 आ रहा है। ठीक है, फाइव 18, यहाँ पे देखो कह रहा है रिड्यूस एलिमेंट फ्रॉम रो 13 को, रो और रिड्यूस द कॉलम से 15 को रिड्यूस कर लिया। जब हमने रिड्यूस किया तो कुछ वैल्यू हमारी इस तरह से बन के आई। अब उसके बाद देखो इसको फाइंड आउट करने, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या मिल के आई, 18 मिल के आई। अब 18 ए और पहले की 18, मेन वाले की 18। अरे भाई, आप अगर इस वर्टेक्स से जा रहे हैं, इसकी कॉस्ट 18 है और इसकी कॉस्ट 18 है, दोनों की मिलकर कितनी हो जाएगी, 36 होगी, क्योंकि दोनों को तो ऐड करेंगे, इसकी पर्टिकुलर की 18 आ रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो पहली कॉस्ट ऑफ ए, मतलब कॉस्ट ऑफ पहली नोड, उसके बाद सम ऑफ द रिडक्शन एलिमेंट प्लस यम ए बी, यम ए बी मतलब यहां पे क्या हो गया कि जो भी इसकी कॉस्ट फाइंड आउट होके आ रही हो, तो इसकी कॉस्ट कितनी आई, 18 आई, और इसकी कॉस्ट क्या है, जीरो। टोटल ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब देखो ए से हम कहां कहां जा सकते थे, ए से देखो बी पे जा सकते थे, अब ए से हम कहाँ जाएंगे, सी पे जाएंगे। जब ए से सी पे जाएंगे, फिर से हमें वही काम करना है कि ए और सी वाली, मतलब ए रो और ए वाले रो को सी वाले कॉलम को पूरा जीरो बना देना, और जहां पे सी और ए होगा उसको भी हमें क्या करना है, जीरो बना देना है। ठीक है, उसके बाद सेंटर इसको सेट कर लेना है। अब आगे चलते हैं। ठीक, जब आगे चलेंगे तो आगे किस तरह सॉ, अब उसके बाद रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन फिर से लगाएंगे। जब रो और कॉलम रिडक्शन को फिर से हम लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसमें तो ऑलरेडी है, इसमें भी जीरो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यहाँ भी जीरो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यहाँ पे भी जीरो है। अब कॉलम वाइज देख लें, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, इसमें छोड़ ही देते हैं इसको, मतलब सारे ये ऑलरेडी क्या है, दिस मैट्रिक्स द मैट्रिक्स ऑलरेडी रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन, ये ऑलरेडी है हमारे पास, मतलब रिड्यूस है। तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, देखो तब इसकी कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ वन कितनी हो गई, 18 हो गई। तो सम ऑफ रिडक्शन कॉलम, तो इसका एलिमेंट का रिडक्शन कितना हो जाएगा, यम ए सी, इसका कॉलम क्या रिडक्शन कितना आया, जीरो आया, और यम ए सी की वैल्यू क्या है, यम ए सी मतलब यम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ए और सी की वैल्यू। ठीक, यम ए मतलब मेन, ए से सी जाने की कॉस्ट क्या है, ए से सी जाने की कॉस्ट क्या है, यहाँ पे सबसे पहले जब हम ऊपर जाएंगे तो ए से सी वाले की कॉस्ट हमें फाइंड आउट मिलके होगी। देखो ए से सी कहाँ गया यार, देखो ए से सी वाले की कॉस्ट, ये मेन वाली मैट्रिक्स हम देखते हैं, जो भी हमारी मेन मैट्रिक्स होती है वहां से हम इसको चेक करते हैं, जो मतलब पहली मैट्रिक्स नोड वन के लिए हम बनाते हैं।
ठीक है, वहां से चेक करेंगे ए से सी की वैल्यू क्या है, सेवन, तो सेवन को हम पुट कर देंगे वहां पे। सेवन को पुट करेंगे तो जब वैल्यू दोनों ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल के आएगा, 25 मिल के आएगा। तो यहाँ पे 25 हो गया। आगे हम कहाँ जा पा रहे थे, जैसे हम ए से कहाँ कहाँ गए, ए से हम बी जा सकते थे, ए से हम सी जा सकते थे, ए से हम डी जा सकते थे। इसकी कॉस्ट 36, इसकी कॉस्ट 25 और डी की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो उसी तरह से हम डी की भी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ए कॉलम और डी वाले ए रो और डी कॉलम को जीरो बना लेंगे, उसके बाद ए और डी की वैल्यू को जीरो बना देंगे, मतलब ए यहाँ और डी यहाँ, इसको इनफाइनाइट बना देंगे और एम और डी की वैल्यू को भी अभी इनफाइनाइट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस ऑल एलिमेंट, अब इसके बाद रिड्यूस करेंगे। देखो इसमें ऑलरेडी रिड्यूस है, ए ऑलरेडी ए रिड्यूस नहीं है क्योंकि इसमें जीरो नहीं एग्जिस्ट है, तो फाइव को हटा के हम क्या करेंगे, जीरो बना देंगे और यहाँ पे हम फाइव नोट कर लेंगे। और कॉलम में जब रिड्यूस करेंगे, ऑलरेडी रिड्यूस 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 सारा रिड्यूस, तो हमें वैल्यू क्या मिल के आई, फाइव मिल के आई सिर्फ रिडक्शन से, फाइव यहाँ से मिली। और जब हम मेन मैट्रिक्स से जाके देखेंगे यम ए डी की वैल्यू, तो वहां पे हमें थ्री मिलेगा, तो फाइव और थ्री इसको ऐड कर लिए तो 26 हो गया। तो मतलब जब हम देखो, अब क्या है कि देखो हमारे पास तीन वर्टेक्स आ गए, ए से हम बी जा रहे हैं जिसकी कॉस्ट 36 है, ए से हम सी जा रहे हैं जिसकी कॉस्ट 25 है, और ए से डी जा रहे हैं जिसकी कॉस्ट 26 है। अब हमें क्या करना है, एक को सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब हम सॉल्व करते हैं स्टेट स्पेसिटी में हम क्या करते हैं, ऑलवेज मिनिमम वैल्यू को लेके चलते हैं। जब मिनिमम वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या 36 है, 26 है, सबसे मिनिमम क्या है, सी है, ए से सी, तो 25 को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करा है कि वी चूज द नोड द लोवेस्ट कॉस्ट, तो यहाँ पे क्या ए से सी वाले पाथ को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब स्टेप थ्री हमारा आता है जहां पे हम एक्सप्लोर करेंगे और ए से सी वाले को एक्सप्लोर करेंगे। वी एक्सप्लोर वर्टेक्स बी एंड डी एंड नोड थ्री, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, नोड वन थी, ये नोड टू थी, ये नोड थ्री थी, ये नोड फोर थी। तो नोड थ्री को हम एक्सप्लोर करेंगे, वी स्टार्ट द जो भी मैट्रिक्स है उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भैया, ठीक है। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं, सबसे पहले ठीक स्टार्ट करते हैं, तो वैल्यू एज इट इज होने वाली है जैसे उसमें थी, ठीक है। प्रीवियस मैट्रिक्स को लेके सॉल्व करेंगे, प्रीवियस मैट्रिक्स को जब लेके सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। चूजिंग द वर्टेक्स ए से हम सी जा रहे हैं, सी से हम बी जा रहे हैं, ठीक है। देखो ए से हम सी गए थे, अब सी से हम बी जाने वाले हैं। तो फ्रॉम द वर्टेक्स टू, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, एम सी की वैल्यू क्या थी, इनफाइनाइट थी, उसके बाद सेट द रो सी एंड कॉलम बी, मतलब रो सी से हम बी जा रहे हैं, तो सी रो को और कॉलम हमारा क्या होगा, ये वाला कहाँ गया यार, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि सी रो और हमारे पास बी कॉलम को हम इनफाइनाइट बना देंगे इसको, और ए तो ऑलरेडी इनफाइनाइट है, बी वाला ऑलरेडी, ए वाला ऑलरेडी इनफाइनाइट है, तो उससे हमसे नहीं लेना है। इस इन दोनों को हमें क्या करना है, इनफाइनाइट बना। दूसरी चीज हमें क्या करना है कि जो भी हमारा बी ए है, मतलब बी से ए, सेट बी ए मतलब बी से ए, हाँ अब यहाँ पे हम जा रहे हैं, देखो बी से ए या ए से बी, तो बी ए को हमें क्या करना है, इनफाइनाइट बना देना, इसको बना दिया। अब रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो रो रिडक्शन क्या है, यहाँ पे नहीं जीरो, यहाँ पे जीरो, तो इसको 13 को क्या करेंगे, जीरो बना देंगे और यहाँ पे 13 को नोट डाउन कर लेंगे। इसी तरह यहाँ से 8 को जीरो बना देंगे, यहाँ पे 8 नोट डाउन कर लेंगे और बाकी कॉलम वाइज ये रिड्यूस हो गया। तो 8 और 13 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 25। जब 25 आएगी, ठीक है, यहाँ पे हमने रिड्यूस कर लिया, तो रिड्यूस होने के बाद मैट्रिक्स हमारी कुछ इस तरह से हो गई। उसके बाद नाउ कैलकुलेट, जब रिड्यूस करेंगे तो 25 देखो कॉस्ट 3 की थी, जो भी वर्टेक्स थी उसकी वर्टेक्स 3 थी, उसकी कॉस्ट 25 थी, इसको ऐड किया तो इसकी वैल्यू, और ये हमारी क्या इनफाइनाइट है, हमने वहां से जाके देखा। तो जब इनफाइनाइट को इनफाइनाइट में ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू इनफाइनाइट आने वाली है। अब उसके बाद चूज द वर्टेक्स ए से डी जाएंगे हम, ठीक है, ए से सी, सी से डी जाएंगे। जब डी पे जाएंगे तो फिर उसी तरह रो रिडक्शन को चेक करेंगे, ऑलरेडी रिड्यूस है तो यहाँ पे। अब हमारे पास देखो दो कॉस्ट मिल रही है, पहली कॉस्ट क्या है, देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे स्टेप्स उसी तरह है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। आपको कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट वर्क करता है। देखो कॉस्ट 5 और 6 मिली यहां से, अब देखो हम सी से कहां जा सकते थे, बी पे जा सकते थे, डी पे जा सकते थे, इसकी वैल्यू क्या इनफाइनाइट मिली, इसकी 25। तो छोटी वैल्यू को हम सेलेक्ट करते हैं, तो 25 को हम सेलेक्ट करेंगे, 25 से हम कहां जा सकते हैं, इसको फिर से चेक। इस इन सारी चीजों के लिए आपको ग्राफ देखना पड़ेगा बार बार कि ग्राफ में हम कहां, जैसे हमने चेक किया कि ए से हम कहां जा रहे हैं, बी सी डी,
तो इससे एक ग्राफ में दिया है कि ए से आप बी जा सकते हैं, सी जा सकते हैं, डी, और सी से हम कहाँ जा सकते हैं, बी जा सकते हैं, डी जा सकते हैं, और डी से हम बी जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ग्राफ में दे रखी है, आप ग्राफ से जाके जरूर चेक कीजिएगा। अब जब फोर को हम लेके चलेंगे, स्टेप फोर्स को, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें देखो, ए से हम सी गए थे, सी से डी गए थे, अब डी से हमें क्या करना है कि बी जाना है, ठीक है। जब हम बी जाएंगे तो यहाँ पे डी वाली वर्टेक्स को हम लेके मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। अब इसमें देखो ऑलरेडी सारी वैल्यूज ही है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले किसको बनाना है, डी रो और डी वाली रो को इनफाइनाइट बना देना है, और बी वाले कॉलम को इनफाइनाइट बना देना। तो इसको, इन दोनों को इनफाइनाइट बनाएंगे तो कुछ वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट होके आएगी, और यहाँ पे हमारी करंट डी और बी वाली को भी, इसको भी इनफाइनाइट बनाना है। देखो यह बी है, डी को भी हमें, इसको डी और बी को, ठीक है, डी और बी को भी हमें क्या करना है, इनफाइनाइट बनाना है। तो इसको इनफाइनाइट बनाएंगे तो कुछ वैल्यू हमें फाइंड आउट होकर आएगी, कुछ इस तरह से 25 मिल के मिलने वाली, मतलब सिर्फ कॉस्ट 6 की मिलेगी। इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी भी वैल्यू 0 होगी, तो इसकी वैल्यू सिर्फ 25 होगी। तो ऑप्टिमल पाथ क्या हमें मिल के आया, ऑप्टिमल पाथ मतलब कि जब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ऑप्टिमल पाथ क्या मिल गया, ए से सी हम गए, सी से बी डी गए, डी से बी गए, बी से ए गए। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करें तो हम ए से सी गए, सी से डी गए, और डी से बी गए, तो ये हमारा क्या होगा कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया, कि सारे वर्टेक्स को हमने विजिट कर लिया, और बी को विजिट करने के बाद हम चले जाएंगे ए पे। तो हमारा क्या हो गया कि ए ब्रांच एंड बाउंड के हेल्प से हम ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, बाकी सबको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टेट स्पेस ट्री कहता है कि जिस सॉल्यूशन, जो एक मिनिमम सॉल्यूशन न दे रहा है, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से सारे एल्गोरिथम वर्क कर रही है। और हाँ, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाओ के डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।